मेथी के पराठे तो हम घर में अक्सर बनाते हैं, तो इसमें नया क्या है? नया है इसमें मिलाई गई कुछ चीज़ें और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स, जिससे यह पराठा खाने में और भी मज़ेदार और टेस्टी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए मिलकर बनाते हैं बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार मेथी के पराठे। मेथी के पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले मेथी को क्लीन करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी से बहुत अच्छे से धो के मेथी की लीव्स को रखा हुआ है। तो आप इस तरह की छन्नी ले सकते हैं या फिर कलछी ले सकते हैं छेद वाली, और हम इसमें ये डंडी डालेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इसको नीचे से पुल कर लेंगे। तो ये देखिए कितने आराम से डंडी और मेथी की लीव्स अलग हो जाती हैं। तो बहुत ईजी तरीका है, मैंने नेट से देखा था और मुझे ये बहुत आसान लगता है। और अब मैं मेथी इसी तरह से साफ़ करती हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से मेथी की सारी लीव्स अलग कर लेंगे। मेथी को साफ़ करने के बाद मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया है, और अब हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, मैं इसमें डाल दूँगी एक हरी मिर्ची और करीब 10 से 12 लहसुन और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और अब हम इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, हम इसे साइड में रखेंगे। और आइए अब पराठों का आटा लगाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा मैंने पराठ लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा, 1/4 कप बेसन या ग्राम फ्लावर, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, आधी टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन को हम हल्का सा हाथों से क्रश कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून कटी हुई धनिया, मेथी जो हमने चॉप करके रखा था, अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बॉईल किया हुआ आलू, जिसको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो इससे ये पराठे बहुत ही बहुत टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इस तरह से। तो मैं ये 1 बॉईल आलू इसमें घिस दूँगी। इसमें हम डाल देंगे बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने अदरक लहसुन पीसते समय भी डाला था। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमें पानी का यूज़ अभी नहीं करना है, सिर्फ सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ बड़ा बर्तन लें इस तरह का, जिससे आटे को गूँथने में काफ़ी आसानी रहेगी। ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाया है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगाएंगे। तो आटे को बहुत ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप मसल मसल के लगाएं, तभी ये आटा ठीक लगेगा, नहीं तो आटे में कहीं पर गुठलियाँ आ जाएंगी और कहीं बहुत सॉफ्ट रह जाएगा। तो ये देखिए आटा मैंने गूँथ लिया है, हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा हम हाथ में लेंगे और इस तरह के छोटे छोटे गोले तैयार करेंगे, ये देखिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको बेलने के 3 अलग अलग तरीके। हम एक लोई लेंगे और उसको सूखे आटे में इस तरह से डिप कर लेंगे, और अब हमें इसको काफ़ी पतला बेलना है। तो ध्यान रखिएगा, मेथी का पराठा जो है काफ़ी पतला बेला जाता है, तभी वो टेस्टी लगता है खाने में। अगर वो मोटा रहेगा तो आप उसको ठीक से सेक नहीं पाएंगे और खाने में वो कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो ये देखिए, ये तो है पहला तरीका, इसको हमने बस बिल्कुल साधारण तरीके से बेल लिया है, मैं इसे साइड में रखूँगी। और मैंने यहाँ पे दूसरी लोई ली है, और इसको भी मैंने थोड़े से सूखे आटे से डिप कर दिया है, और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बेल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे, और इसको अब हमें फोल्ड करना है इस तरह से, ये देखिए इसकी प्लीट्स बना लें आप। और अब हम इसको भी बेल लेंगे, और इसको काफ़ी पतला बेलना है हमें। तो ये देखिए ये भी तैयार है, और अब हम बेल लेंगे तीसरे तरीके से। और ये तीसरा वाला पराठा हम बनाएंगे, तो इसको पहले हम एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। तो ये जो तीनों मेथड मैं बता रही हूँ, आप इस मेथड से किसी भी तरह का पराठा बना सकते हैं। तो जो दूसरा और ये तीसरा वाला पराठा है, इसमें बहुत अच्छी सी लेयर्स आती हैं पराठे में, और पहला वाला पराठा जो है वो गोल बेलता है, और इस पराठे को हम बस ट्राइंगल शेप देंगे। ये देखिए मैंने इसको बेल दिया है, और अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इसको फोल्ड करेंगे, और थोड़ा सा ऑयल इस पर यहाँ पर भी डाल देंगे, और एक बार इसको फिर से फोल्ड करेंगे। इस पर मैं हल्का सा सूखा आटा डाल दूँगी, जिससे कि इसको बेलने में आसानी रहे। और अब हम इसको ट्रायंगल शेप में बेल देंगे। ये देखिए हमारा तीसरा पराठा भी तैयार है, और आइए फटाफट इसको सेकते हैं। पराठे को सेकने के लिए मैंने पैन गरम किया है, तो ये आयरन का पैन है, अगर आप चाहें तो नॉनस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, और मैं इसको चारों तरफ तवे पे फैला दूंगी। तवा अच्छे से गर्म है, हम इस पर पराठा डालेंगे और इसको नीचे से थोड़ा सा सिक जाने देंगे। ये हल्का सा सिक गया है, हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल को अच्छे से फैला देंगे,
और अब हम इसको पलट देंगे और इस साइड भी इस पे तेल लगाएंगे। तो अगर आप ये पराठा सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इस पराठे को थोड़ा सा जल्दी सेकें, और अगर इस पराठे को आपको तुरंत खाना है और आप खस्ता खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर तक सेकें जिससे अच्छे से क्रिस्प हो सके। तो ये देखिए पराठा सिककर बिल्कुल तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं सारे पराठे सेकूंगी। तो आप इनको किसी भी तरह की चटनी, अचार और एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ इसको खा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।